পূজারামকো ন্যায় দো ন্যায় দো ন্যায় দো পূজারামকো ন্যায় দো ন্যায় দো ন্যায় দো পূজারামকো ন্যায় দো ন্যায় দো ন্যায় দো আওয়াজ দো আমি মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ বলাৎকারী সরকার মুর্দাবাদ 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 আত্যাচারী সরকার মুর্দাবাদ 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 গুন্ডাগর্দি নহীঁ চলেগি নহীঁ চলেগি নহীঁ চলেগি গুন্ডাগর্দি নহীঁ চলেগি নহীঁ চলেগি নহীঁ চলেগি কংগ্রেস সরকার মুর্দাবাদ 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 কংগ্রেস সরকার মুর্দাবাদ 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 আসাম কেলাত মুর্দাবাদ 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 আসাম কেলাত মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल था उस वीडियो के अंदर वो सांस ले रहे थे, तड़प रहे थे, जिंदगी और मौत के लिए जूझ रहे थे। लेकिन जो जानकारी हासिल हुई कि लट के दम पे जातीय आतंकवादियों ने ये चैलेंज देते हुए इस जो तुकाराम जी है उनको उठा करके आप हॉस्पिटल तक पहुंचा के दिखाओ, अगर आप में दम है तो। ऐसे हालात आज हमारे राजस्थान में हो रहे हैं। मोतीराम मेघवाल कौन था? एक वो क्रांतिकारी, एक वो योद्धा था जो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा था। वहां के चुनाव प्रशासन को, एसपी को, कलेक्टर को पहले सूचित कर दिया था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन प्रशासन ने उसकी एक ना सुनी। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से था, शेड्यूल कास्ट से था वो। आजादी 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 आजादी। हम लोगों में डर है, यही कारण है कि उनके हौसले बुलंद है। जिस दिन हमारे अंदर से डर खत्म होगा, हमारा हौसला बुलंद होगा, उन लोगों में डर पैदा होना चालू होगा। मोतीराम मेघवाल उस अत्याचार के खिलाफ उसने आवाज उठाई। सुनने में आया कि कोई जमीनी विवाद था, जमीनी विवाद था और अपने हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहा था कानूनी तरीके से, संवैधानिक दायरे में रहकर के। लेकिन क्या मिला? अंततः उसकी हत्या कर दी गई।